अंग्रेजी बिहारी कबाब हो, बड़े मशहूर बिहारी कबाब हो। बताओ भी कहाँ जा रहे हैं? One hour later. हम जा रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कराची के सबसे बेहतरीन बिहारी कबाब खाने। कहाँ कहाँ कहाँ? वैसे तो नॉर्मली लोगों के लिए ये दो पुल होते हैं, एक पुल के उस तरफ और एक पुल के इस तरफ, लेकिन ये इस तरफ वाला जो पुल है ना, उसके भी उस तरफ वाला इलाका है। मस्त लाइटें लगवाई है इसने। मेहरान के 2030 का नया मॉडल है। मेहरान का मॉडल, मेहरान का मॉडल। इधर से निकल, चले बड़े जाना मैं वहाँ पे। अबे यहाँ से निकल के आगे ले ले। मेरे में से एक आगे बैठेगा, एक पीछे बैठेगा, मतलब। हाँ हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर शेपर आगे आ जाए तो तुम लोग आराम से बैठ जाओ। कितने का पेट्रोल है? भाई असली वाला कौन सा है? ये असली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये खूबरू जिंदा दिल जासे पे नजर और गंदुमी रंगापुर का शीश नौजवान आज आपको ले गया है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उमूमन आप लोग आना पसंद नहीं करते। ये कराची की एक बहुत अंडररेटेड जगह है जहाँ पे दुनिया के बेहतरीन बिहारी कबाब मिलते हैं। तो आइए लेके चलते हैं आपको कोरंगी 15 नंबर के तहजीब कबाब हाउस में, और आपको दिखाते हैं कि बिहारी कबाब होते क्या हैं, बनते कैसे हैं और कितने मज़े के होते हैं। तो ये मलाई बोटी आप बनाते कैसे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या मसाला जात आप लगाते हैं इसमें? मलाई बोटी के अंदर मेरे भाई वाइट मसाला जात इस्तेमाल होते हैं इसमें, जैसे कि दखनी मिर्च इसके अंदर इस्तेमाल होती है, मलाई का ऑफिशली ज़्यादा इस्तेमाल है, दही का इस्तेमाल है, अदरवाइज़ इसके अंदर जो है पकवान तेल जो है थोड़ा बहुत, यानी कि उसको कवर करने के लिए, उसको खूबसूरती को निखारने के लिए तकरीबन आधा पाव के करीब जो है 5 किलो के गोश्त के अंदर जो है हम लोग वो डालते हैं। घरों में लोग अमूमन तौर पे इस तरह से लगा सकते हैं कि पारसा किस तरह से, आप अगर आप देख सकें कि किस तरह से पिरोया जा रहा है, ये आपको लग रहा होगा बंद मुट्ठी में, लेकिन क्योंकि इनको प्रैक्टिस बहुत है तो ये बहुत ही आराम से, खूबसूरती से, मोहब्बत से ये बिहारी कबाब पिरो रहे हैं यहाँ पे। भूख लग रही है लोमान को। ये आ रहे हैं हमारे बिहारी कबाब, मलाई बोटी, कचौड़ी, सलाद। चेक कर रहे हैं आप बिहारी कबाब, ये तो अच्छा। हमारे साथ इस वक्त जामिया कराची के बहुत अजीम तरीन लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नुमान रजी साहब। इसका यहाँ का जायकेदार आलू बुखारे की चटनी। वाह वाह, ये आलू सुभान अल्लाह, आलू बुखारे की चटनी। हमारे साथ मौजूद हैं शहर और हमारे साथ क्यों हो रही है जैन मुस्तफा। अच्छा, अब हम चखेंगे सबसे पहले बिहारी कबाब। जैसा कि मैंने बोला आपको, बताया पहले भी कि बिहारी कबाब बनते हैं पतले पतले पार्चों से, जो बोटियाँ होती हैं वो बिहारी कबाब नहीं होते, वो होते हैं बिहारी बोटी। तो हम खाएंगे सिर्फ बिहारी कबाब, हम यहाँ पे स्पेशली बिहारी कबाब खाने आए हैं, जाहिर सी बात है मलाई बोटी भी खाएंगे। तो पहले खाते हैं पूरी के साथ, एक लुकमा लेंगे। ये पूरी ये कचौड़ी है, सॉरी ये लिया हमने नवाला। आलू बुखारे की चटनी,
नहीं करे, थोड़ा सा रायता नहीं करे, अरे शेफर तुम खा रहे नहीं करो, अरे खा लो, अरे खा। तो कैसा रहा जन्नत? जन्नत नहीं, जन्नतुल फिरदौस। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में बहुत अच्छा है, बेहतरीन जायका है। आप यकीन करें बेहतरीन जायका है। आप कराची के किसी भी कोने में रह रहे हो, गूगल मैप पे तहजीब कबाब हाउस की लोकेशन डालें और यहाँ पे आके खाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप मायूस नहीं होंगे। तो आएं, पहले हम ये ख़त्म करते हैं, बाद में आपसे बात करें। ये मलाई बोटी, इस मलाई बोटी की क्या तारीफ करूं, ये आप शेफर भाई से सुनिए। शेफर भाई क्या तारीफ करेंगे, बेहतरीन, दुनिया में आखिरी मलाई बोटी है और वो ये। अच्छा यार, खाना तो हमने खा लिया है और जायके की तो क्या ही बात, इतनी दूर से आना यहाँ तक बिल्कुल बेहतरीन, कामयाब रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब बिल की भी बात कर लें तो ये रहा बिल, आप ये देख सकते हैं बिल, इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि आई गेस कि ये सारी बहुत रीज़नेबल हैं। हमने 18 जो हैं वो सलाखें या सीखें मंगवाई थी मलाई बोटी की, एक सीख जो है 70 रुपए की। इसी तरह से हमने 21 सीखें मंगवाई थी बिहारी कबाब की, एक सीख 60 रुपए की। पूरियां, कचौरियां, सबकी तादाद, सबका रेट, सब कुछ इधर मेंशन है और बेहतरीन जायका यार। मतलब मैं कह रहा हूँ, हम 5 लोग और अच्छे खापड़ लोग खाने पीने वाले, और 3,100 का बिल तो मुझे नहीं लगता कि बहुत महंगा है, बहुत मुनासिब है। और आप लोग भी ज़रूर आएँ, ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ नवाबजादा नबील रहमान को इजाज़त दीजिए अपने नए व्लॉग के साथ, बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। YouTube के ऊपर एक बेहतरीन चैनल जिसका नाम नवाब दहाब है, कल उस वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरात हजरात हजरात।